हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योर ब्यूटी रूम। फ्रेंड्स, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। एज मैनी ऑफ यू नो कि मेरा लैपटॉप एंड मेरा कैमरा दोनों एक साथ खराब हो गए थे, बट नाउ आई एम बैक टू वर्क। लैपटॉप मैंने न्यू परचेज कर लिया है, कैमरा मेरा रिपेयर हो गया। तो अब हम अपनी क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे। काफ़ी लोग के कमेंट्स और इंस्टा पर भी मैसेजेस आ रहे थे कि मैम नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। सो गाइज, नाउ ऑनवर्ड्स हम लोग की क्लासेस अभी रेगुलर रहेंगे। इन टुडेज वीडियो आई एम गोना शो यू दीज ब्राउन स्मोकी आईज। सो ये ब्राउन स्मोकी आई का आज ट्यूटोरियल रहेगा। हम लोग ब्लैक स्मोकी आई ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी ब्लू स्मोकी आईज के ऊपर। सो बिना देरी किए हम लोग ये वीडियो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है लॉरियल पैरिस ब्रो पॉमेड इन द शेड एबनी। ये एकदम डार्क ब्राउन कलर में है। इससे मैं अपनी आईब्रोज़ को सेट करती हूँ या आईब्रोज़ को ड्रॉ करती हूँ। तो वो मैंने पूरी आईलिड पर लगा लिया है, मतलब थोड़ा सा पीछे का एरिया छोड़ा जैसे हमने ब्लैक स्मोकी आई में किया था, सो दैट कि हम जब उसको ब्लेंड करेंगे तो वो स्प्रेड नहीं हो। इसका एकदम डार्क ब्राउन कलर होता है एंड ये एक बेस देता है हमारे मैट शेड्स को और वो स्टिक रहते हैं इस पर। आप इसकी जगह पर कोई भी ब्राउन ब्रो पॉमेड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई भी ब्राउन आई पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कोई भी आई बेस नहीं लगाया है, डायरेक्ट मैंने ये ब्रो पॉमेड लगाया है। इसी तरीके से मैं दूसरी आई पर भी इसको लगा लूँगी। इससे हमें बेस मिल जाएगा और हमारे आई शेडो लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, क्योंकि हम स्मोकी आई में सिर्फ मैट शेड्स यूज़ करते हैं तो हमें एक ऐसा बेस उसको देना होता है जिससे जिस पर हमारे आई शेडो स्टिक रहे। अब इसके बाद हमको जो क्रीज एरिया है वहाँ पर इसकी ब्लेंडिंग करनी है। बहुत ऊपर तक नहीं ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग करने के बाद हमारी आईलिड पूरी कवर होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग कर रही हूँ, सेम ब्रश से ही मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ, बट ब्रश पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। नाउ आई एम टेकिंग माई जैकलिन हिल पैलेट। ये जैकलिन हिल पैलेट इतना अच्छा है कि इसे आप मल्टीपल लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। उसमें मैं ये लाइट ऑरेंज शेड लूँगी जो मैं क्रीज एरिया से थोड़ा सा ऊपर लगाऊँ, यानी कि जो मेरा ट्रांजिशन एरिया होता है, जो मेरा ट्रांजिशन पार्ट है आई का, वहाँ पर मैं इसको लगाऊँगी और ब्लेंड करूँगी। मैं सेम ब्रश पर ही ले रही हूँ बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं शो करना है ट्रांजिशन शेड में और जो मेरी आईलिड्स हैं उसमें। आई एम ब्लेंडिंग इट ऑन बोथ ऑफ माई आईज, देन मैं ये ब्राउन कलर ले रही हूँ। आपकी जो ड्रेस है उससे मिलता हुआ ब्राउन कलर ले सकते हैं। अगर आपने बहुत डार्क ब्राउन पहना है तो डार्क लीजिए, लाइट ब्राउन पहना है थोड़ा लाइट लीजिए, बट ये जो पर्टिकुलर कलर है जो थोड़ा रस्टी रेड और ब्राउन होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है स्मोकी आईज पर। सो आई एम टेकिंग दिस शेड एंड अप्लाइंग इट ऑन ऑल ओवर माई लिड विद द हेल्प ऑफ अ फ्लैट ब्रश। फ्लैट ब्रश से इसका एप्लीकेशन बहुत आसान हो जाता है और प्रोडक्ट स्टिक हो जाता है। तो दोनों आईज पर मैं फ्लैट ब्रश की हेल्प से ब्राउन शेड लगा लूँगी और हमको धीरे धीरे उसकी कवरेज देनी है, यानी कि हमको पिगमेंटेशन धीरे धीरे बढ़ाना है। अगर आपको लगता है कहीं पर स्पेस है तो आपको वहाँ पर भी पिगमेंटेशन देनी है। सेम ब्रश से मैं इसका क्रीज एरिया ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे सिंगल ब्रश लिया है, सिर्फ आई शेडो की एप्लीकेशन के लिए मैंने फ्लैट ब्रश यूज़ किया था, अदरवाइज आई एम यूजिंग दिस सेम ब्रश। एंड ब्लेंडिंग करनी है, ब्लेंडिंग इज़ द की। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे स्मोकी आई कोई भी आई हो, ब्लेंडिंग करनी ही है। अगर आपने ब्लेंडिंग करना सीख लिया तो समझ लिया आपको आई मेकअप आ गया। सो ब्लेंडिंग करने के बाद भी अगर कहीं पर स्पेस दिख रहा है तो वो भी हमको फिल करना है। एंड इसके बाद मैं आई लाइनर आई लैशेस पूरा मेकअप कंप्लीट करके आपको अपना लुक दिखाती हूँ। दिस इज द फाइनल लुक।
सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो ब्राउन स्मोकी आइस के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डू गिव मी अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। माय इंस्टाग्राम हैंडल इज यशिका गौतम। अगर आपने पुरानी मेकअप क्लासेस की वीडियोस नहीं देखी हैं जो प्रीवियसली आ चुकी हैं तो उन सभी के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।